नमस्कार, माय नेम इज हरविंदर। स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम एक वेबसाइट वेब पेज बना सकते हैं HTML और CSS की कोडिंग से। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें एनिमेशन है, ये टेक्स्ट एनिमेट कर रहा है बार बार। तो इस एनिमेशन के लिए हमें कोई जावास्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, CSS से ही एनिमेशन भी लगाएंगे। और पूरी वेबसाइट को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक ऊपर नेविगेशन बार रहेगी और रेस्ट ऑफ द पार्ट मेन रहेगा। तो इस दो हिस्सों को हम अलग अलग वे में CSS करेंगे, इसकी स्टाइलिंग करेंगे। पहले स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उसके बाद उसकी स्टाइलिंग करेंगे। तो पहले फोल्डर बना लेते हैं एक, वी क्लोज ऑल द बार्स फर्स्ट, शो करते हैं। सबसे पहले आप एक फोल्डर मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे माई न्यू वेबसाइट के नाम से, और इसमें कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं पहले से, देख सकते हैं लोगो एंड ये स्कूल की पिक्चर है और ये CSS फोल्डर है। तो इस स्ट्रक्चर को यूज करते हुए हम बनाएंगे। सबसे पहले मैं नोटपैड प्लस प्लस खोल देता हूँ, आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं, विच एवर यू लाइक। न्यू पेज खोलते हैं, सबसे पहले इस पेज को सेव कर देते हैं। सेव एज करके डेस्कटॉप पे मैंने अभी फोल्डर बनाया था माई न्यू वेबसाइट के नाम से, इसमें इसको index.html से सेव कर। और एक दूसरा पेज बनाते हैं स्टाइलिंग के लिए, तो उसको सेव करते हैं CSS फोल्डर के अंदर style.css से। दोनों पेजेस हमने सेव कर दिए HTML और स्टाइल। तो पहले HTML से स्ट्रक्चर तैयार करते हैं वेबसाइट का। ये आपको टाइटल हम क्या देना चाहते हैं वेबसाइट को, TTS। देन वी स्टार्ट बॉडी टैग, एक हेडर टैग होता है HTML फाइल के अंदर, वो यूज कर लेते हैं। और उसमें दो हिस्सों में डिवाइड किया पूरी वेबसाइट को, जैसे मैंने बताया था, एक पर नेविगेशन बार रहेगा, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट मेन पार्ट रहेगा। क्लास देते हैं इसको नेविगेशन, दूसरा पार्ट हमने दिया है मेन। इसकी स्ट्रक्चरिंग करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं पूरी वेबसाइट का। सबसे पहले लोगो लगाया हुआ है हमने लेफ्ट हैंड साइड पे, लोगो के लिए इमेज या मरकास, इमेज सोर्स, इमेजेस फोल्डर के अंदर logo.png की पिक्चर हमने देखी थी फोल्डर के अंदर, इमेजेस फोल्डर के अंदर ये लोगो पिक्चर पड़ी है logo.png। इसको भी नेविगेशन को भी फर्दर दो हिस्सों में बांट लेते हैं, एक लोगो लेफ्ट हैंड साइड पे लोगो रहेगा और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो अपना मेन्यू के लिए बना सकते हैं। पहला पार्ट हम लोगो के लिए क्लास बना देते हैं लोगो, और भी हम मेन्यू के लिए क्लास ले लेते हैं, इसलिए हम मेन्यू तो बनाते हैं मेन्यू। मैंने को लिए हाइपर रेफरेंसेस देंगे, हाइपर लिंक अटैच करने हैं दूसरे पेजेस को अटैच करने के लिए। फॉर द टाइम बीइंग हम कोई पेजेस अटैच नहीं कर रहे हैं, तो जस्ट उसके लिए एक स्ट्रक्चर ही बना रहे हैं। तो ये एंकर टैग यूज करते हैं दूसरे पेज के साथ अटैच करने के लिए, कोई पेज के साथ अटैच नहीं कर रहे, इसलिए हैश यूज करेंगे हाइपर रेफरेंस के अंदर। तो पहली मेन्यू अपनी होम, उसको कॉपी कर लेते हैं, तो दूसरी मेन्यू अबाउट, तीसरी मेन्यू है देन कॉन्टैक्ट। अभी मेन पहले चेक कर देते हैं कितना पार्ट अपना रेडी हो गया। इसमें हमने अभी माई वेबसाइट के अंदर इंडेक्स नाम डॉट से ये मेन्यू बार नेविगेशन बार का अपना मेन्यू एंड लोगो लग गया, नेविगेशन पार्ट रेडी हो गया। बाकी मेन पार्ट अब इसका स्ट्रक्चर भी तैयार कर देते हैं, स्ट्रक्चर करेंगे उसके बाद इसकी इसका स्टाइलिंग करेंगे। रेस्ट ऑफ द पार्ट में हम देखें वेलकम टू GBS, टू कम एंड विजिट, बाकी ये टेस्ट
एनिमेट कर रहा है, और जीपीएस वंस इज नॉट एनफ, दो बटन्स लगाए हमने, लर्न मोर एंड साइन अप हुए, तो इसके लिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पहले मैंने लिखा एच टू टैग के अंदर वेलकम टू जीपीएस, लेक्चर उनको क्लोज कर दो। दूसरा हमने एच वन के अंदर हेडिंग वन, दूसरे का फॉन्ट थोड़ा ज्यादा है तो इसको एच वन ले लेते हैं, और इसको लिखा हमने डू कम एंड विजिट। उसके बाद जो टेक्स्ट एनिमेट कर रहा है उसको स्पैन टैग के अंदर हम क्लोज करेंगे। अभी हम कोई एनिमेटेड टेक्स्ट नहीं लिख रहे हैं, इसको सीएसएस के अंदर जाके ही डिफाइन करेंगे। उसके बाद पैराग्राफ टैग में जीपीएस वंस इज नॉट एनफ, उसके बाद दो बटन्स लगाए हैं, उसके लिए हाइपर रेफरेंस देते हैं कोई लिंक बटन के लिए, उसकी स्टैनिंग बाद में कर देंगे, फिलहाल हाइपर रेफरेंस में सेव कर देना। और अब चेक करें तो अपनी वेबसाइट को स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अब इसकी स्टाइलिंग करनी है। स्टाइलिंग के लिए पहले हमें अपनी वेबसाइट स्टाइल शीट का पेज है इसके साथ लिंक करना जरूरी है। हेड सेक्शन के अंदर हम ये कोडिंग करते हैं, लिंक रेल स्टाइल टाइप सीएसएस, और जो एड्रेस है सीएसएस फोल्डर के अंदर टाइप के साथ इसको लिंक करना है। अब स्टाइलिंग करते हैं, सबसे पहले यूनिवर्सल टैग ले लेते हैं, यूनिवर्सल के लिए स्टार लगाते हैं। उसके लिए सबसे पहले मार्जिन जीरो एंड पैडिंग जीरो चेक करें, बिल्कुल सीएस स्टाइलिंग शीट अपनी अटैच हो गई है। अब हमने नेविगेशन बार है जो ऊपर वाली, उसकी स्टाइलिंग करनी है, देन मेन की स्टाइलिंग करें। सबसे पहले हेडर, हेडर के लिए हमने इस पे बैकग्राउंड इमेज लगानी है, तो पूरा वेबसाइट हमने हेडर टैग के अंदर लिया, तो सबसे पहले हेडर में इमेज लगाते हैं बैकग्राउंड इमेज। हेडर टैग की स्टाइलिंग करते हैं, सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज, इमेज अभी हम सीएसएस फोल्डर में है, सीएसएस फोल्डर से बाहर आएंगे, उसके बाद इमेजेस फोल्डर के अंदर जाएंगे, और उसमें स्कूल डॉट हम सीबीएस सीएसएस फोल्डर के अंदर, सीएसएस फोल्डर से बाहर आएंगे, उसके बाद इमेजेस फोल्डर के अंदर जाके यहाँ पे स्कूल डॉट जेपीजी नाम की पिक्चर पड़ी हुई है, इसको हमें बैकग्राउंड पे लगाना है, इसको पेस्ट करना है। तो बाहर आने के लिए डबल डॉट होता है, उसके बाद दोबारा से हमने इमेजेस फोल्डर के अंदर जाना है, और उसमें स्कूल डॉट जेपीजी नाम की पिक्चर अटैच करनी है। तो चेक कर लें कि अपनी पेज के साथ पिक्चर अटैच हुई भी है या नहीं, सही हुई है, कोई रही होगी इसमें। इमेजेस नाम का फोल्डर है, इमेजेस ने इमेज लिखा, स्पेलिंग का खास ध्यान रखना जरूरी होता है हमारे लिए, कभी कोई पेज को अटैच कर सकते हैं। तो पिक्चर आ गई है, फुल व्यू नहीं आ रहा, जहां तक हमने कोडिंग किया स्ट्रक्चर तैयार किया उतना ही आया, वी वॉन्ट के ये पूरे फुल पेज को कवर कर दे, पूरा वेब पेज कवर हो जाए, इससे इसके लिए हम देख सकते हैं हाइट 100 bh, इस सेमी कोलन मिस हो गया, पूरे पेज पे आ गया। विड्थ भी हम 100 व्यू हाइट कर दिया, विड्थ भी आप 100% कर दो, हो गया। पेज अपना तैयार हो गया, बैकग्राउंड पे इमेज लग गया, इमेज पे ऊपर एक ब्लैकिश सी ट्रांसपेरेंट लेयर लगा देते हैं, ताजो जैसे आप देख रहे हो इमेज में थोड़ी ब्लैकिश सी ट्रांसपेरेंट लेयर लगी हुई है इसके ऊपर, तो इसके लिए हम लीनियर ग्रेडियंट होता है, लीनियर ग्रेडियंट
लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट में दो कलर्स मिक्स कर देते हैं, दोनों कलर्स मतलब लीनियर ग्रेडियंट बना देते हैं। ग्रेडियंट होता है दो कलर्स का मिक्सचर और लीनियरली अपर टॉप और बॉटम दोनों के लिए। तो आर जी बी ए यूज करते हैं पहले के लिए भी दूसरे के लिए भी। आर जी बी आर फॉर रेड, जी फॉर ग्रीन, डी फॉर ब्लू एंड ए फॉर अल्फा। अगर हम सारे कलर जीरो दे दें तो ब्लैकिश बन जाता है। रेड का भी कंपोनेंट जीरो है, ग्रीन का भी कंपोनेंट जीरो और ब्लू का भी कंपोनेंट जीरो है। अल्फा कितने 0.7 उसकी ओपेसिटी, उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी देना चाहते हैं हम, ये अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और सेम सेकंड कलर के लिए भी सेम कलर रखते हैं, चेक करते हैं ये वेबसाइट में। तो ब्लैकिश कुछ ज्यादा ही आ गया तो थोड़ा कम करके उसको 4 कर देते हैं 7 की प्लेस पे। ब्लैकिश कम हो गया। आगे रिफ्रेश करने से ज्यादा इफेक्ट नहीं नजर आ रहा। 3 कर देते हैं। जी पी इसमें एक एक्स्ट्रा लग गया, सही है बिल्कुल। जी पी और 0.3 करें तो सही है। तो ये बैकग्राउंड पे इमेज लग गई। अब हमने इसकी थोड़ी स्पेलिंग करनी है। एडर के बाद हमने दो हिस्से डिवाइड किए थे, एक नेविगेशन के लिए और दूसरा मेन के लिए। वही नेविगेशन को रेडी करते हैं। नेविगेशन में अगर आप देखें तो एक ऊपर लेयर लगी हुई है, ये भी लेयर के ऊपर ब्लैक लेयर एक और लगाई हुई है हमने। वो लेयर के लिए भी हम देख लेते हैं। पहले इसके ना हिस्से करते हैं। ये 15 ये पूरे पेज की 100% व्यू हाइट है, 100 व्यू हाइट है। तो 15 इसको देते हैं, रेस्ट ऑफ द पार्ट 85, जो मेन पार्ट रहेगा उसको 85 व्यू हाइट में देंगे। ये हाइट स्पेसिफाई कर देते हैं 15 व्यू हाइट। और बैकग्राउंड कलर सेम हम स्पेसिफाई कर देते हैं और सिंपली आर जी बी ए 0.7। उसके ऊपर एक और लेयर लगा दी हमने जो नेविगेशन बार रखी है उसके लिए, कुछ थोड़ी ट्रांसपेरेंसी कम कर देते हैं इसके लिए। चेक करो ट्रांसपेरेंसी कम से ये नेविगेशन बार का बैकग्राउंड सेट हो गया। उसके बाद थोड़ा नेविगेशन में जो जो पार्ट है अपने कवर करने हैं अपने। फ्लैक्स इससे पूरी एक लाइन में आ गया लोगो, और ये जो हमने मेन्यू बनाया था होम अबाउट गैलरी कॉन्टैक्ट एक लाइन में आ गया। इसका कलर भी स्पेसिफाई कर देते हैं। वाइट कलर के लिए टैग होता कोड होता है FFF। तो जैसे ब्लैक कलर के लिए 000 होता है ना, इसके लिए होता है FFF। बट अभी तो कलर अप्लाई नहीं होगा, वो एंकर टैग पे अप्लाई करेंगे। ये ठीक है, बाद में अप्लाई होगा जो एंकर टैग के अंदर अप्लाई होगा। ये एंकर टैग हाइपर रेफरेंस लगाई। उसके बाद इसको टेस्ट लाइन आइटम्स सेंटर, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया दोनों तरफ से। जस्टिफाई कंटेंट बिल्कुल स्पेस बिटवीन से बिल्कुल मेन्यू लेफ्ट हैंड साइड पे चलेगा, लोगो राइट हैंड साइड पे आ गया। स्पेस बिटवीन स्पेसिफाई कर दिया। तो अब लोगो और इस मेन्यू को भी हमने फर्दर डिवाइड किया था, लोगो और मेन्यू में ये नेविगेशन बार को। नेविगेशन बार के अंदर हमने लोगो की थोड़ी हाइट और ब्रेथ ज्यादा आ रही है तो उसको स्पेसिफाई कर देते हैं। ब्रेथ इसकी 100 पिक्सल्स स्पेसिफाई कर देते हैं। तो लोगो
लोगों के अंदर इमेज है उसकी, नेविगेशन के अंदर हमने इमेज लगाई है उसकी, जो नेविगेशन में विड्थ कम कर दिया तो लोगो थोड़ा छोटा आ गया, फिट आ गया इसमें। अब नेविगेशन में हमने जो लोगो का पार्ट है उसकी विड्थ 50% उसको देते हैं, और रेस्ट ऑफ जो अपना मेन्यू है नेविगेशन के अंदर लोगो को भी हमने 50% स्पेसिफाई किया, 50% 50% और 50% विड्थ स्पेसिफाई कर दिया हमने, 50% लोगों को अप्लाई कर दिया और 50% मेन्यू, तो ये डिवाइड हो गया 50-50 में। उसके बाद उसकी हमने एंकर टैग की, डॉट मेन्यू के अंदर एंकर टैग लगाया हमने, इसमें हमें उसका तो अंडरलाइन लगा रहा है, इसके लिए टेस्ट डेकोरेशन लिखते हैं, टेस्ट डेकोरेशन नन, अंडरलाइन हट गया। उसके बाद कलर स्पेसिफिक करना है, कलर व्हाइट हो गया और ये हो गया इसके अंदर जस्टिफाई जो डिस्प्ले देखते हैं इसको, कंटेंट इज अराउंड बिल्कुल सही आ गया, अबाउट गैलरी कॉन्टैक्ट होम, अब बिल्कुल स्पेस में डिस्प्ले हो रहा है इसका, थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं, कर देते हैं हम 20 पॉइंट्स, अच्छा लग रहा है। टेस्ट ट्रांसफॉर्म केस मेन्यू का पार्ट बढ़िया बन गया, उसका फॉन्ट थोड़ा बढ़िया, फॉन्ट नहीं अच्छा लग रहा है तो गूगल फॉन्ट से कुछ फॉन्ट्स ले लेते हैं उसको अप्लाई कर देते हैं, बढ़िया फॉन्ट लगा देते हैं। इसके लिए आप गूगल से सर्च कर लेते हैं, गूगल फॉन्ट्स में देखेंगे तो सबसे बेस्ट फॉन्ट कौन सा रहेगा, ये रोबोटो फॉन्ट सबसे पहले वाला ही है जो आई लाइक इट, कोई भी फॉन्ट आप पिक कर सकते हैं इसमें से, दिस वन इज सपोज लाइक, से पहले तो ये लिंक को कॉपी कर लो और सिमिलरली इंडेक्स पेज के अंदर ये यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना, फैमिली है दिस वन, इसको यूनिवर्सल टैग के अंदर लगा देते हैं, जितनी भी वेबसाइट के अकाउंट्स हैं सब पे ये अप्लाई हो जाए, आप चेक करें तो बढ़िया बन गया है, गुड इज लुकिंग गुड। और डेकोरेशन करते हैं इसका, जो फर्स्ट चाइल्ड है उसको कलर डिफरेंट देते हैं, फर्स्ट चाइल्ड मीन जो पहला चाइल्ड है मेन्यू का होम, तो डिफरेंट कलर अप्लाई करना हमने, जो कि फोर्स फोर्स बढ़िया कलर चाहते हैं कि मेन्यू पे जब भी हम माउस ओवर करें तो ये कलर डिफरेंट हो जाए, जो कलर हमने होम पे लगाया ये अप्लाई हो जाए वहां पे, इसके लिए हम लगा सकते हैं डॉट नाउ डॉट मेन्यू ए ओवर, इसके लिए कलर सही देते हैं, कलर सिमिलरली हैश बी 0 3 9 8 4, जैसे माउस लेके जाएंगे ऊपर तो ये कलर चेंज होगा इसका, थोड़ा स्मूथली हो ट्रांजिशन लगा के 0.7 सेकेंड टच करोगे तो थोड़ा स्मूथली कलर से ऑपरेट
का जो हमने अभी फॉन्ट तो सेट कर दिया, तो मैं नेविगेशन बार में फॉन्ट तो रेस्ट ऑफ मेन्यू बार का रह गया। अभी नेविगेशन बार अपना तैयार हो गया, मेन्यू और लोगो लग गया। रेस्ट ऑफ द मेन पार्ट है जो उसकी डेकोरेशन करनी है। देख रहे हैं बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए और कलर वगैरह डिफरेंस एनिमेशन के लिए शुरू करते हैं स्टाइलिंग। तो वो पार्ट रहेगा अपना मेन का। मेन के अंदर वो भी तो सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स, जैसे हमने फ्लेक्स किया तो ये सेक्शन टैग के अंदर हमने अप्लाई किया था, तो ये एक लाइन में आ गया है। तो ये हमने मेन में, मेन में यहाँ पे एक सेक्शन टैग अप्लाई कर देते हैं जिससे एक लाइन में नहीं है। सेक्शन टैग अप्लाई किया तो डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ इनका डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हो गए हैं। वेलकम टू जीपीएस, डू कम एंड विजिट, तो दे आर नॉट कमिंग इन अ हॉरिजॉन्टली सेम लाइन बिकॉज नाउ दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस। नाउ वी विल डू द सीएसएस फॉर दैट एंड अप्लाई। सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं इसमें जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, बिल्कुल सेंटर में आ गया। टेस्ट लाइन सेंटर, बिल्कुल टेस्ट बीच में सेंटर में आ गया। लाइन लाइन बटन्स अलाइन आइटम्स सेंटर करने से इसकी हाइट मेंशन करनी जरूरी थी हमारे लिए, तो हाइट 15 BH दी है हमने नेविगेशन को, तो इसको हाइट देंगे हम 85 BH। बिल्कुल वर्टिकली भी बिल्कुल सेंटर में आ गया। टेस्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, तो टेस्ट के लिए हम आगे सेटिंग करते हैं। मेन्यू के अंदर H1 को हमने व्हाइट ये कलर व्हाइट शो नहीं हो रहा, कोई मिस्टेक हुई है हमसे यहाँ पे। मेन्यू के मेन्यू नहीं है अभी, मेन मेन रहेगा ये, चेक करते हैं। डू कम एंड विजिट व्हाइट में हो गया। H1 का जो लिखा था हमने व्हाइट में आ गया। सिमिलरली H2 को भी व्हाइट करना है और टी टैग लगाया था हमने उसका भी व्हाइट कलर। सारे व्हाइट कलर में हमारे पास डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इसके बाद GPS इज नॉट इनफ, ये डबल कोट्स में इनक्लोज करना था। GPS इज नॉट इनफ, डबल कोट में इनक्लोज किया। सेव करके दोबारा से रिफ्रेश करेंगे पेज को। अब इसकी थोड़ी डेकोरेशन करते हैं। वेलकम टू जीपीएस, उसके बाद डू कम एंड विजिट एंड जीपीएस वंस मोर, और ये दो बटन्स लगे हुए हैं इसकी सेटिंग करनी है। स्टाइलिंग जो H1 लिखा था उसका फॉन्ट साइज सेट करते हैं हम 25 PT।
रहा, बढ़िया नहीं आ रहा, तो उसके लिए 35 PT कर देते हैं। H1 पे अप्लाई हो GPS is not enough. टीपी तो वेलकम टू H2 के लिए भी हम सेम अप्लाई कर देते हैं 20 PT। थोड़ा वर्ड्स लेटर्स में स्पेस देते हैं, लेटर स्पेसिंग 3 पिक्सल। लेटर स्पेसिंग होती है लेटर्स के बीच में स्पेसिंग, और यहाँ पे भी सेम अप्लाई कर देते हैं 3 पिक्सल, लेटर स्पेसिंग 3 पिक्सल, उसमें थोड़ी स्पेसिंग आ गई। और यहाँ पे वर्ड स्पेसिंग होती है वर्ड्स के बीच की स्पेस। रेडी हो गया। उसके बाद नीचे और ये ज्यादा आ गया पिक्सल्स, थोड़े 2 पिक्सल सेट कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा स्पेस आ रही थी बीच पे, ज्यादा नजर आ रही थी। तो बस लव मोर और साइन अप हेयर जो 2 बटन हैं ये सेटअप करने हमने। इसके लिए मेन्यू के अंदर, मेन के अंदर एक टैग लगाया आपने, उसकी सेटिंग के लिए। पहले बात, उनका फॉन्ट साइज बहुत ज्यादा आ गया है, तो उसके लिए सिर्फ 15 PT सेट कर देते। उसके बाद उसको बैकग्राउंड, उसके 2 चाइल्ड बनाए, 2 क्लासेस अलग अलग बनाए थे, उसको बैकग्राउंड कलर अलग देना, दूसरे को अलग देना। उसके लिए क्लास स्पेसिफिक कर देते हैं बटन 1, इसके लिए क्लास स्पेसिफाई कर देते हैं बटन 2। यहाँ पे बटन 1 को क्लिक थोड़ा बैकग्राउंड कलर सेम देते हैं। इसके लिए बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई कर देते हैं बटन 2 व्हाइट। पिक्सल
तो इसके साथ ही अपना ये वेब पेज रेडी है। अब लगा रहा है हमने ये एनिमेशन, तो ये एनिमेशन कैसे एनिमेट कर रहा है, तो थोड़ा बैकग्राउंड पे हमने शेडो भी लगाया, तो डायरेक्शन देने के लिए, लुक देने के लिए ये तीनों में हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड शेडो भी लगाना जरूरी है। टेस्ट शेडो यूज करेंगे, शेडो हॉरिजॉन्टल कितना देना चाहते हैं, सपोज 6 पिक्सल बाय ब्लर कितना देना चाहते हैं आप, 1 पिक्सल और शेडो का कलर कौन सा, इस टाइप से बात करते हैं। कैसे होगा ये रिफ्रेश करोगे तो थोड़ी सी लुक नजर आ रही है। सिमिलरली हमें सेम शेडो अपने H2 पे अप्लाई करते हैं, देखेंगे थोड़ी सी शेडोज में भी नजर आ रही है। तो हमने वो एनिमेशंस लगाना, कैसे वो एनिमेट करेगा, लास्ट बचा अपना ये टारगेट, उसके लिए यूज करते हैं, इसके लिए क्लास बना लेते हैं। यहाँ पे क्लास बनाएंगे, क्लास चेंज टेस्ट, लर्न मोर और साइन अप हेयर पे भी शेडो अप्लाई हो गया, तो शेडो हमने वहां पे अप्लाई नहीं करना था। जो हमने अभी शेडो अप्लाई किया है और टेस्ट ट्रांसफॉर्म की, जो भी टेस्ट शेडो अप्लाई किया हमने H1 और H2 के, सेटिंग करते हैं अपनी। H1 और H2 पे ही अप्लाई किया है, P पे अप्लाई नहीं हुआ है, तो हमारी मिस्टेक, H2 को क्लोज नहीं किया हमने, ये मिस्टेक, इसको H1 को क्लोज नहीं किया। अब सही यहाँ पे मार्जिन थोड़ा लर्न मोर के लिए और साइन अप हियर के लिए मार्जिन थोड़ा कम रह गया, इसके लिए मार्जिन भी सेट करना जरूरी है। H1 के बाद मार्जिन लगा देते हैं, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, H1 के लिए या H2 के लिए अप्लाई कर देंगे मार्जिन बॉटम पैराग्राफ के बाद, और कर सकते हैं तो सही है। अब लगा रहे थे हम एनिमेशंस, एनिमेशन के लिए हमने स्पेसिफाई कर दिया था यहाँ पे चेंज टेस्ट, तो चेंज टेस्ट के लिए काम करेंगे अब बहुत में चेंज टेस्ट टेस्ट आफ्टर, उसके बाद जो हम अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले तो कलर देंगे हम इसको 8 9 4।
में यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग, और ट्रांजिशन लगा रहे हो, पहले तो ट्रांजिशन में हम एनिमेशन लगाते हैं, एनिमेशन एनिमेशन में चेंज एस्केप और कितने सेकंड की एनिमेशन लगा लिया है, एनिमेशन एनिमेशन के लिए की फ्रेम लिखते हैं, की फ्रेम्स एज टेस्ट 0% पे जो टेस्ट है क्या लिखना चाहिए, डू कमांड विजिट टेंट टेंट टेस्ट अपनी क्लास फ्रेम्स चेक करें कुछ रिलेशन अप्लाई नहीं हुआ। चेंज टेक्स्ट के लिए हमने एनिमेशन के लिए क्या गड़बड़ किया चेक करें, दूसरा स्टाइल अभी हमने अप्लाई किया था वहां से चेक कर लेते हैं कहां से, ये डेस्कटॉप पे एनिमेटेड वेबसाइट में इसके अंदर स्पेसिफाई करना जरूरी था। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ इवेंट्स इन फाइव नाइट इन फाइव नाइट मिस्टेक हमने बस कर देते हैं, कि हम कोई चेंज कंटेंट क्लास लिया हमने उसके बाद आफ्टर जीरो परसेंट पे हमने देखा प्ले ग्राउंड तो ट्वेंटी परसेंट पे हम कर देते हैं लैब्स अप्लाई नहीं हो रहा, स्टे कर रहे हैं चेक कर ली जरूरी है। चेंज टेक्स्ट एनिमेशन चेंज टेक्स्ट पे लगा रहे हैं, चेंज क्लास स्पेशल की है वो भी चेंज टेक्स्ट स्पेशल की है भाई, और चेंज टेक्स्ट आफ्टर इसके लिए नहीं लगाना, ये जो दिया है तो भी अप्लाई हो गया इसके ऊपर। ऐसे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि 20% पे क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं और 25% पे इसके लिए 75% पे क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। लैब्स के बाद
टोरियो परसेंट पे क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। थोड़ा इसपे जो भी हमने H1 H2 लगाए थे टेस्ट ट्रांसफॉर्म देते हैं मैट्रिक्स अपर केस टेस्ट या H1 पे भी सेम के साथ ही ये वेब पेज रेडी हो गया। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।